पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 10th है ये, क्लास 10th का फिजिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो लाइट की डेफिनेशन, जैसे कि इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो लाइट की डेफिनेशन होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, हमको ये ऑब्जेक्ट्स को सी करने के लिए हेल्प करती है। फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ द रिफ्लेक्टेड, तो जहाँ से ये आती है वहाँ भी हम देख सकते हैं, और जहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होती है ना वहाँ भी हम देख सकते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, लाइट की। सेकंड देखते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या, सिंपल सा, जो क्या करता हो, लाइट को इमिट करता हो, है ना। तो वही होता है कि ऑब्जेक्ट, वाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर लाइट। इमिट लाइट तो कर रहा है लेकिन वो क्या, ऑन लाइट, अपनी खुद की लाइट है, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। लाइक जैसे एग्जांपल कौन सा, सन, है ना। ऑन लाइट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया और फायर। ठीक है, ये एग्जांपल। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी के अपोजिट, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, ठीक है, देमसेल्फ, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर द कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब वो खुद की लाइट तो खुद से इमिट नहीं करते, लेकिन क्या होता है, ओनली रिफ्लेक्ट कब होते हैं, द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ना जैसे कि प्लैनेट्स देखे होंगे तो वो क्या होते हैं कि सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होके क्या होते हैं, हमको जो मॉर्निंग में स्टार दिख जो शुक्र ग्रह, ठीक है, वो दिखाई देता, तो वो क्या होता है दूसरी की लाइट से, तो नॉन ल्यूमिनस है। अगला देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट है उसका नेचर क्या। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली लाइट, तो इसका नेचर क्या है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है। लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम, तो इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बोल रहे हैं तो इस ये एयर के द्वारा बोल पा रहे हैं, लेकिन कोई अगर प्लेनेट पे है जैसे कि मून पे, तो वो अपनी एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, है ना, कोई मीडियम चाहिए ना, जैसे एयर वाटर। लेकिन लाइट को मीडियम ना भी रहे तो आएगी आवाज़, ठीक है, जैसे यूनिवर्स में कोई विस्फोट होगा ना तो आवाज़ नहीं आएगी, है ना, बट वहाँ पर अगर लाइट एकदम से इमिट होगी तो वो लाइट दिखाई देगी, क्योंकि वो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो क्या, लाइट को हम जो है मीडियम की जरूरत नहीं रहती उसको। टू ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट की अगर देखें, अगर मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में दी गई है। लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ, तो क्वांटम ऑफ थ्योरी पे क्या बताया गया है कि लाइट का जो है डुअल नेचर है ना, तो डुअल प्रॉपर्टीज शो करेगी, पहला है वेव्स की और सेकंड जो है पार्टिकल्स की। तो ये कभी उस सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, अगर उसकी सिचुएशन होगी तो वो वेव्स की तरह दिखाएगी और कभी पार्टिकल की तरह। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्रिकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम देखते हैं ना, ये हो गया मिरर, तो इंसिडेंट लाइट होती है और रिफ्लेक्टेड हो जाती है, उसी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, कोई सरफेस है वहाँ से लाइट आ रही है और बाउंस हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक। इसके बाद क्या है, ये इसका डायग्राम दिया हुआ जो अभी हमने बात की है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, इसके बीच में मीडियम है, तीनों वन ही पॉइंट पे आ रहा है, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो उसके बारे में ये बताया हुआ है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डबल लॉ दिए गए हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ पे कुछ नहीं है, इसमें दिया है कि द इंसिडेंट रे, मतलब जो इधर से रे आ रही है ना इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड हो रही, और इनके बीच में जो नॉर्मल एंगल जो बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल, ये तीनों देखो एक ही पॉइंट में टच हो रहे हैं, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, लेकिन मिल कहाँ रहा है, वन पॉइंट में। तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, ये जो एंगल बन रहा है ना और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो है इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की तो डेफिनेशन पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ द मिरर, कोई भी मिरर हो ये लॉ फॉलो होगा ही होगा, जैसे कि प्लान मिरर में भी होगा, एज वेल एज स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉनवैक्स मिरर, तो ये दोनों प्रकार के मिरर भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है।
सिंपल सा लॉजिक था। अगला देखते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस एदर और एदर ऑफ दिस फिनोमिनन टेक्स प्लेस। तो अब लाइट जहाँ जहाँ फॉल होगी उसके अनुसार उसको क्या हम बोल सकते हैं, अब सरफेसेस अलग अलग होगा, कुछ जगह एब्जॉर्प्शन होगा उसका तो कुछ जगह रिफ्रैक्शन होगा और कुछ जगह रिफ्लेक्शन होगा। तो हम सरफेसेस की बात करते हैं ना, तो सरफेसेस के टाइप्स की अगर बात करें तो वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, अगर हमारे पास मान लो कि बात ट्रांसपेरेंट है जिसके आउट साइड जो है वो ट्रेवल कर सकती है लाइट, तो वहाँ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लाइट पास हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन लेकिन कम होगा क्योंकि वो पार हो गई ना, तो इधर तो बहुत ही कम जाएगी। ट्रांसलूशेंट में क्या होता है, उसमें ना रिफ्रैक्शन होता है ना रिफ्लेक्शन होता है, जबकि ओपेक में क्या होता है कि ओपेक में मान लो कि बात जैसे कि दर्पण देखे हुए ना, तो इसमें क्या होता है हाई रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन उसके अपोजिट होगा ही नहीं, फिर कहाँ से पास होगा ना, ये दिक्कत है। तो वो अब इसमें दिया है कि बेस्ट रिफ्लेक्टर शुड हैव द सीनी, अगर हमको अच्छे से अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे मिरर सबसे अच्छा उदाहरण है, तो मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम शाइनी बनाते हैं, पॉलिश करते हैं और स्मूथ सरफेस बनाते हैं, बस वही है। फिर क्या है, टाइप ऑफ मिरर के बारे में दिया है, तो टाइप ऑफ मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर की अगर बात करें तो टाइप ऑफ मिरर में प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर तो ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। टाइप ऑफ इमेज की अब हम इसमें देखेंगे, तो टाइप ऑफ इमेज द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे मीट, जहाँ भी ये लाइन मिलती है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से ये लाइन फिर से रिफ्लेक्टेड होके जाएगी और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड होके जाएगी, ठीक है, और दोनों लाइट बैक साइड में मिलेंगी, और यहाँ पर अगर जो बना जैसे कि ये डायग्राम पे और ये डायग्राम पे जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन पे ही दिखाई देता है, जैसे कि देखो ये प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ से लाइट आई और फिर बैक जा रही, ठीक है, ये लाइट आई और टच होके क्या हो रही, वापस जा रही, इधर से भी एक लाइट आई और टच होके वापस जा रही, और यहाँ पर मिल रही मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज। सेम यहाँ भी, ठीक है, वर्चुअल की कंडीशन में देखें तो ये बैक साइड में जाती है, ठीक है, और यहाँ टच होती है, सिंपल सा, इसको वर्चुअल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज द फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट और द सर्टेन पॉइंट इट इज द ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सिंपल सा है, और इसमें क्या हो रहा है, जो फॉर्म्ड हो रहा है व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, एक्चुअली रूप से मिल रही ना, यहाँ पर एक्चुअली नहीं मिल रही है ना, उसके बैक साइड में मिल रही है, तो इट इज़ द फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट ऑन द सर्टेन पॉइंट इट इज़ द ऑलवेज इरेक्ट। और इसका डायग्राम कैसा बन रहा, इरेक्ट बन रहा। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, अब हमको अगर प्लेन मिरर दिया गया है तो उसमें अगर हमको बोल रहा है कि डायग्राम हमको बना किस प्रकार से फॉर्म होगा इमेज, तो देखो बीच में हमारा जो प्लेन मिरर है, बीच में प्लेन मिरर है, अब यहाँ से सबसे पहले इंसीडेंट लाइट आ रही, देखो ये पूरी इंसीडेंट लाइट यहाँ गई, ठीक है, दूसरी इंसीडेंट क्योंकि हमको टू लाइट की नीड्स होगी, टू रेज की, तो फर्स्ट रे तो ये चली गई, सेकंड रे यहाँ पर गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों रे जाने के बाद क्या होंगी, वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो वो वाली रे तो सीधे जाएगी और सीधे वापस हो गई ना, लेकिन दूसरी रे जो गई यहाँ से और यहाँ से रिटर्न हो गई, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये तो रिटर्न हो गई लेकिन इसकी कुछ रे क्या हो गई, आगे की ओर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इसकी भी कुछ आगे की ओर बनाते हैं, और जहाँ ये मीट करती है, ठीक है, जहाँ ये मीट करती है वो क्या करा बनता है, उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो जब भी प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगा ना उसकी क्या खासियत होगी कि वो सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम साइज का बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इवन वर्चुअल इरेक्ट हो सकता है और लेटरली इन्वर्टेड होगा, देखो सेम डिस्टेंस पे बना है, सेम साइज का बना हुआ है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है और लेटरली इन्वर्टेड, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट इसमें हैं तो इस टाइप से हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर अगर हमारे पास है तो ये टू टाइप्स का होगा, एक तो कॉनकेव होगा और एक क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, तो इसमें भी हम डबल लाइट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब टू रेस का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से।